अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू इंटर सिटी मोबाइल। फ्रेंड्स, आज हमारे पास रीनो 4 यानी CPH 2113 है, ठीक है। और ये CPH 2113 रीनो 4 है मेरे ख्याल में। और आज एक नई टूल के साथ, जिसका मैंने पहले रिव्यू दिया था, उसके ज़रिए मैं इसे अनलॉक करना बताऊंगा आपको कि उसमें क्या क्या और कितने अच्छे अच्छे फ्यूचर हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं ये साथ में वेबकैम यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से मोबाइल कनेक्ट करने का भी स्टेटस मिलता रहे। यहाँ पे मैंने अपनी अनलॉक टूल ओपन करके रखी है। इसका रिव्यू मैं पहले कर चुका हूँ, जिस दोस्तों ने नहीं देखा, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ पे आप जाके वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ओप्पो पे जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे ओप्पो पे जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास मॉडल आ जाते हैं। यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ रीनो 4। तो यहाँ पे देखें, रीनो 4 हमारे पास आ गया है। 2113 है, स्नैपड्रैगन 720G लगा हुआ है इसमें। तो चलिए इसको मैं अनलॉक करके बताता हूँ आपको। सबसे पहले यहाँ पे हमने EDL में फैक्ट्री रीसेट करना है, तो मैं इसे यहाँ पे रख लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पे स्टेटस नज़र आता रहे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मोबाइल को पावर ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे हमारे मोबाइल को पावर ऑफ करना है भाई, सॉरी, यहाँ से वॉल्यूम की प्रेस हो रहे थे और यहाँ से हम इसे पावर ऑफ कर देते हैं। उसके बाद इसमें वॉल्यूम अप और डाउन दबा के हमने, साथ में डिवाइस मैनेजर ओपन कर लेते हैं ताकि पोर्ट का स्टेटस शो होता रहे हमें। यहाँ पे क्वालकॉम पोर्ट आ गई है। अब सिंपली हम EDL में से फैक्ट्री रीसेट कर देते हैं। हमारा मोबाइल चूँकि रिस्टार्ट हो गया था, तो हम फिर से एक दफ़ा ट्राई करेंगे और ये इंशाल्लाह इस दफ़ा 100% हो जाएगा। तो अभी सिंपली मोबाइल को मैं फिर से पावर ऑफ कर देता हूँ। अब हम फैक्ट्री रीसेट पे दबाएंगे। यहाँ पे वॉल्यूम अप डाउन प्रेस करके मोबाइल कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसने सक्सेसफुली ले लिया है और उसके बाद फ्लैश हो रहा है, सॉरी रिमूव हो रहा है हमारा, ये फैक्ट्री रीसेट हो रहा है। उसके बाद EDL में हम इसकी FRP भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, इसमें UFS चिप लगी हुई है, सेक्टर एड्रेस बता रहा है, होस्ट एड्रेस बता रहा है, जो रीडिंग इंफॉर्मेशन, फ़ोन की इंफॉर्मेशन रीड करने के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे प्लेटफॉर्म ओके आ गया। उसके बाद कीप स्टोरेज और FRP भी साथ में रेज हो गया है और यहाँ पे देखें सारा कुछ इसका क्लियर हो गया है, ठीक है। अभी हमारा मोबाइल रिटर्न ऑन हो रहा है। जब कंप्लीट ऑन होता है, यहाँ पे देखें, अगर आपको स्क्रीन पे वाजह तौर पर नज़र आ रहा है तो हमारा मोबाइल वैपिंग डाटा हो रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये मोबाइल को मैं एज ए वेब कैमरा यूज़ कर रहा हूँ तो नहीं हो पाएगा, इसी तरह गुजारा करना पड़ेगा। बाकी हमारा मोबाइल फैक्ट्री रीसेट से FRP ये सब कुछ इसमें से निकल गया है जस्ट वन क्लिक पे। इस टूल का रिव्यू मैं आपको दे चुका हूँ, प्राइस वगैरह सारा कुछ बता चुका हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।